बिग बॉस 16 में हो रहा है हंगामा। कौन है सबसे रियल और कौन लग रहा है सबसे फेक? डालें एक नजर टीवी के स्टार्स पर। किसका गेम कर रहा है लोगों को इम्प्रेस और किस कंटेस्टेंट से वो हो रहे हैं बोर? अब मुझे अब्दू बड़ा क्यूट लगता है और शिव ही इज ऑल्सो वेरी गुड। ऐसे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, यू नो, डिफरेंट वीक में डिफरेंट लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। मैं बहुत कम देखता हूँ, बट जब भी देखता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बट या एवरीबडी इज डूइंग गुड। निमृत आई सी, जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं ऐसा बिग बॉस पूरा फॉलो नहीं करता, बट येस जब वो कैप्टन थी तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कैप्टनशिप निभाई थी। उस वक्त स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा फॉलो किया था, सो या और अब्दू को भी मैंने स्टार्टिंग में देखा था, ही इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, तो बड़ा क्यूट लगता है वो। सो या दैट्स इट। मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक एनीबडी अराउंड मी इज़ वॉचिंग बिग बॉस। ठीक है, इंटरनेट पे आप इतना सब रेज देख रहे हो कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। आई रिमेंबर बिग बॉस का टाइम व्हेन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में बैठी हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, एंड वो लोग बिग बॉस की बातें कर रहे हैं और वो बातों से झगड़े में कब बदल जाती हैं और कब एक्चुअली हम फ्रेंड्स लड़ने लगते हैं कि नहीं तू सही नहीं है यार, दिस इज़ नॉट द राइट कंटेस्टेंट यू सपोर्टिंग, वो सारी जो बातें थी। आई थिंक आई एम स्टिल मिसिंग दैट, दैट्स नॉट हैपनिंग अराउंड मी। सो व्हेन दैट डजंट हैपन अराउंड मी, आई डोंट थिंक बिग बॉस इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो अब्दू के काफ़ी वीडियोज़ देखती हूँ तो वो बड़ा क्यूट लगता है, दैट्स इट। एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग बिकॉज ऑफ सुम्बुल एंड निमृत, because you know we've worked a little bit together. Sumbul ke saath Ravi Babu with Star Parivar I've done, and Nimrit has been part of the same production house Cockroach and Chayka that I'm working for. So I've met both the girls. Both the girls are very strong personally, and I wish them all the best. And they're playing a good game actually. Individual, दो अलग journeys दिख रही हैं दोनों की. I would really request, you know, sometimes क्या होता है parents resonate, parents restrict कर देते हैं बच्चों को, worry करते हैं, not because anything else, but worry करते हैं। तो I'm sure उनके father worry कर रहे हैं too much for the kid। जैसे I understand, जब मैं पहली बार college के बाद मुंबई, schooling के बाद मुंबई आई थी college करने, तो मेरे parents भी worried थे and they used to call me every time। He poor guy, he can't call ना, वो बार बार तो फ़ोन नहीं कर सकते सुम्बुल को, and he is watching her do what he might think is not right। राइट, सो वो कर रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस निकल के आ रहा है। तो आई थिंक ही शुड टेक अ बैक सीट, लेट हर प्ले हर गेम, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वी हैव सीन इन रवि बाबू विद स्टार परिवार, यू नो, उनका एक खुद का एक तरीका है अपने फेलियर से भी डील करने का और अपनी विन्स को भी हाईलाइट करने का। सो आई थिंक इफ़ यू लेट हर बी। बताते हैं, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। लव एंगल भी चल रहे हैं, अच्छी बात है यार, प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर उनको हो गया है तो। कौन सी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वही नहीं पता है मुझे तो। आई यू नो, बट इज़ अ जेंटलमैन, गुड लुकिंग बंदा है, अच्छी खासी फिजिक है, सो आई एम श्योर गर्ल्स वुड बी डाइंग आउट देयर। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हर एक्टर को करना चाहिए बिग बॉस में जाके। एटलीस्ट हमारे टाइम पे स्क्रिप्टेड नहीं था, हम इंसान को देखने के लिए तरस जाते थे। अभी तो आए दिन कोई भी एंटर हो जाता है, सो इट्स नॉट द नॉवेल्टी ऑफ सीइंग अनदर ह्यूमन बीइंग। बट आई थिंक, मुझे लगता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स अभी बहुत ही शातिर हो गए हैं, चालाक, बॉस बहुत चालाक हो गए, चालाक। और माय फेवरेट विल ऑलवेज बी साजिद खान, बिकॉज आई लव द काइंड ऑफ सिनेमा ही मेक्स। प्लस मैं फराह खान के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड था, मैं उनको भी जानता हूँ, बट या ही इज़ प्लेइंग इट जब तक उनकी उंगली ना करो, जितना मैंने देखा है ऑन इंस्टाग्राम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने हमारा भी बिग बॉस नहीं देखा था, so I get very scared seeing myself on television, but हाँ, मेरे हिसाब से साजिद खान is playing very well, so I just hope he doesn't lose his cool, because उंगली करने वाले बहुत है और वही गेम है। How much can he tolerate? That is the game, yeah. That's Big Boss's. He has to tolerate that. वो घर में जाना रहना बड़ा मुश्किल काम है। I wish them all the best. कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। Takes a lot to be in that environment. हम तो आसानी से, हमें तो क्या है, टेलीविजन चलाना है, देख लेना है, बट इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर टू स्टे इनसाइड द हाउस, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ देम। सो निमृत इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, एंड अब्दू ऑब्वियसली ही इज़ वेरी क्यूट, वेरी फन लविंग, एंड ही इज़ अ चार्मिंग सोल, सो I don't think so. I won't comment on what their love is doing or not, because what I have seen right now, so they are like healthy friends. get to be. Once you're in Bigg Boss now, you don't know. The situation is so heavy, everyone's so heavy, you know, nobody knows like how they will react to the situation. The anger, the emotions, the hatred, everything comes up naturally, you know. So I'm just loving how she's taking classes of everyone in the house.